दोस्तों आपका हैकिंग में इंटरेस्ट है और आप टॉप हैकिंग ऐप के बारे में जानना चाहते हो या फिर आपको हैकिंग के बारे में जानना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे हैकिंग ऐप है जिनके बारे में जानना बहुत मुश्किल होता है, तो दोस्तों इस वीडियो में ऐसे ही टॉप 6 हैकर ऐप के बारे में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो में ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानने वाले जिनका इस्तेमाल करने से इलीगल एक्टिविटीज किया जा सकता है, बट दोस्तों आप इन ऐप्स का इस्तेमाल सही कामों के लिए कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है किसी भी तरह की गलत एक्टिविटीज को अंजाम ना दें। आप किसी भी तरह की गलत चीजों को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लें। तो आई होप इन बातों को आप अच्छे से समझ लें और अपनी स्किल को अच्छे कामों में लगाएं। और ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस के लिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि इंटरनेट पर ऐसे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। मैं और मेरा चैनल किसी भी इलीगल चीजों को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो बिना किसी देरी के जानते हैं ऐप के बारे में। लिस्ट में जो पहला ऐप है उसका नाम है ड्रॉइड बॉक्स। दोस्तों इस ऐप से क्या किया जा सकता है? दोस्तों बेसिकली इस ऐप से टारगेट मोबाइल डिवाइस की सारी डिटेल को देखा जा सकता है। जो जो भी काम टारगेट डिवाइस का यूजर अपने डिवाइस में करेगा वो डिटेल देखा जा सकता है, जैसे कि कॉल डिटेल, मैसेज डिटेल, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि लोकेशन के बारे में भी और टारगेट डिवाइस के एप्लीकेशन कोड के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। नेटवर्क ट्रैफिक को कॉपी किया जा सकता है, जैसे कि नेटवर्क को स्निप करना। अब ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कौन करते हैं? जैसे कि कोई जर्नलिस्ट या फिर जासूस या फिर कोई हस्बैंड और वाइफ। नंबर 2, डबल साइड कैमरा। बेसिकली ये एप्लीकेशन क्या काम करता है दोस्तों, इस ऐप से हमारे मोबाइल फोन के दोनों कैमरास को एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। एक साथ सामने वाले की फोटो ले सकते हैं और हमारी खुद की फोटो भी लिया जा सकता है। कुछ लोग इलीगल कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग अच्छे कामों के लिए। आई होप इसे आप अच्छे कामों में यूज करें अपने एंड्रॉइड फोन में। नंबर 3, स्पूफ कॉलर आईडी। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन क्या काम करता है दोस्तों, इसके जरिए हैकर किसी भी कॉलर आईडी में अपना नंबर ऐड कर देते हैं। हैकर किसी भी मोबाइल नंबर पर कॉल करके अपने नंबर की जगह किसी दूसरे का नंबर कॉलर आईडी पर दिखा देते हैं। किसी भी मोबाइल यूजर को कॉल करके हैकर किसी और का नंबर सामने वाले यूजर को शो करवा देते हैं। इसमें हैकर आवाज भी बदल सकते हैं। इस एप्लीकेशन की वजह से लोगों की प्राइवेसी पर काफी असर पड़ा, इसी कारण से प्ले स्टोर से इसे हटा दिया गया है, क्योंकि इसके जरिए इलीगल जैसे कामों को अंजाम दिया जाने लगा। ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, हमें मुसीबत में डाल सकते हैं। नंबर 4, गेम गार्डियन। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन क्या काम करता है दोस्तों, आप लोग अपने एंड्रॉइड मोबाइल में गेम तो खेलते ही होंगे, लाइक फ्री फायर और पबजी। जैसे कि कोई फ्री फायर और पबजी लवर है और गेम को हैक करना चाहता है तो गेम गार्डियन से हैक कर लेते हैं। अनलिमिटेड डायमंड, कॉइन और हेडशॉट लगाना हो सब कुछ हैक कर लेते हैं, जो कि इलीगल है। नंबर 5, व्हाट्सएप स्निपर। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, व्हाट्सएप में कुछ कांड करने वाली एप्लीकेशन है एंड्रॉइड फोन के लिए। व्हाट्सएप स्निपर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप को हैक करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है? मान लो कि कोई हैकर का मोबाइल और आपका मोबाइल एक ही वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट है और आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हैकर भी आप जो वाईफाई यूज कर रहा है उसी से कनेक्ट है। ऐसे में हैकर इस ऐप के जरिए आपके व्हाट्सएप अकाउंट के प्राइवेट चैट, प्राइवेट फोटो, मैसेज, कॉल, वीडियो, ऑडियो ये सब हैक कर लेता है। या फिर कोई आपके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड डिवाइस हो, ऐसे में इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है, इसलिए फ्री वाईफाई के चक्कर में ना पड़े, फ्री वाला महंगा पड़ सकता है। नंबर 6 और आखिरी एप्लीकेशन फेसनिप, यानी कि फेसबुक को हैक करने वाली ऐप है। अब ये कैसे काम करता है? अब ये एप्लीकेशन भी सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ मिलकर काम करता है, बट इसका हैक करने का तरीका कुछ अलग है। अब जिस वाईफाई से कनेक्ट है हैकर भी उसी वाईफाई से कनेक्ट होता है और हैकर फेसबुक अकाउंट को हैक करने के लिए फेसनिप का इस्तेमाल करता है। मान लो आप एक विक्टिम हो और आपके स्क्रीन पर कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है, योर फेसबुक अकाउंट इज ए रिस्क। जब विक्टिम ऐसा नोटिफिकेशन देखता है तो उस पर क्लिक करता है, उसके बाद ये अपना काम शुरू कर देता है और फिर आपके फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है। ऐसे में आपको पब्लिक वाईफाई का यूज करना नहीं चाहिए। पहले प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, बट वाईफाई से फेसबुक हैकिंग के मामले बढ़ने के बाद इसे हटा दिया गया। तो ये कुछ ऐसे ऐप है जिनके बारे में मैंने आपसे जानकारी शेयर की। किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये वीडियो केवल आपको अवेयर करने के लिए है। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।